सेक्स प्रॉब्लम्स के लिए, मतलब स्तंभन दोष हो, शीघ्र पतन है या लिंग में तनाव नहीं आता है, कोई भी सेक्स प्रॉब्लम है उसके लिए आप यदि शिलाजीत ले रहे हैं तो आपने ये छह चीज़ें उसके साथ में पहले या बाद में नहीं खाना चाहिए, उसका उल्टा असर हो सकता है। तो इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन हम करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आ गए आपको तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं। क्या है कि तनाव नहीं आता है, लिंग में कठोरता कम है या बेड पर स्टेमिना टिकता नहीं है, शीघ्र पतन है, तो इसके लिए दोनों के लिए शिलाजीत का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं। शिलाजीत एक आयुर्वेदिक दवाई है, काफ़ी लोगों को कारगर साबित हुई है, बहुत इफेक्टिव है, कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है, इससे साइड इफेक्ट भी कम है। इसकी कैप्सूल मिलती है 300 से 500 मिलीग्राम ये मात्रा में, तो इसमें इरेक्शन में प्रॉब्लम है तो उसका फायदा होता है, अर्ली इजैकुलेशन है या प्री मैच्योर इजैकुलेशन है या स्टेमिना कम है उसमें भी ये काम में आती है। वैसे ही शिलाजीत शुक्राणु की संख्या बढ़ाने में भी फायदेमंद होती है, शिलाजीत से टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाती है, तो यह सभी के लिए शिलाजीत का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत फायदेमंद है। शिलाजीत जो है वो 300 से 500 मिलीग्राम के कैप्सूल में आती है और वो ठंडे पानी के साथ में या दूध के साथ में इसका सेवन कर सकते हैं। आधा कप दूध एक कैप्सूल सुबह, आधा कप दूध एक कैप्सूल शाम को, ऐसा आप ले सकते हैं। मगर आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि इसके साथ में क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका असर नहीं होगा या उल्टा असर होगा। तो नंबर एक, शिलाजीत के पहले या बाद में खट्टे फल नहीं खाना चाहिए, नंबर एक खट्टे फल। नंबर दो, मटन, मटन नहीं खाना है, बकरे का या कोई भी मटन आप खाते हैं तो मटन नहीं खाना चाहिए। नंबर तीन, मछली, हालांकि हमने बोला है कि मछली खाते हैं तो फायदा होता है, मगर शिलाजीत के साथ में मछली नहीं खाना है। नंबर चार, शहद, शहद के साथ में शिलाजीत लेना नहीं है। नंबर पाँच, गर्म पानी, गर्म पानी और शिलाजीत साथ में नहीं चलता है। और नंबर छः, मूली, मूली की सब्जी लोग खाते हैं या मूली का सलाद में इस्तेमाल किया जाता है, जो भी है तो मूली नहीं खाना है। तो ये छः चीज़ों का इस्तेमाल आपने नहीं करना चाहिए, यदि ये करते हैं तो शिलाजीत का फ़ायदा नहीं होगा या कुछ बुरा असर हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा था जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच। आप आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू।